वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और फेस्टिवल स्पेशल शॉपिंग का हॉल वीडियो। तो दोस्तों अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर हॉल वीडियो। मीशो जो है एक रीसेलिंग ऐप है जहाँ से रीसेलिंग करके आप अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज के हॉल में, इनमें से कुछ भी अगर आप परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी के कोड्स एंड प्राइस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इनके स्क्रीनशॉट एंड प्राइस स्क्रीन पे भी मैं मेंशन कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो समझना कि कौन सा ड्रेस किस प्राइस का है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मीशो में साइन अप नहीं किया तो मेक श्योर करें कि आप मेरे दिए गए साइन अप लिंक से ही साइन अप करें। उससे क्या होगा, आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे 30% से लेकर 100 रुपीज तक का बेनिफिट मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हॉल वीडियो। सो दोस्तों सबसे पहला जो कुर्ता मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आज के हॉल में, ये एक ब्यूटीफुल सा पिच कलर का कुर्ता है। जैसे ही मैंने इसको मीशो पे देखा था मुझे बहुत पसंद आया, मैंने इसको फटाक से पिक कर लिया। ये जो कुर्ता है रेयॉन के फैब्रिक का कुर्ता है, मुझे ये छोटी साइज में रिसीव हुआ है तो इसका ट्राई ऑन मैं नहीं दिखा पाऊंगी। एंड अगर ये मेरी साइज का होता तो बहुत ही अच्छा कुर्ता था। ये यहाँ पे नेक पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा ये थ्रेडवर्क किया हुआ है, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा शानदार मुझे लग रही है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन है, रेयॉन की सिंपल सी पीच कलर की कुर्ती है। 3/4 यहाँ पे स्लीव्स मिली है, बैक साइड से कुर्ती प्लेन है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है अगर आप कोई अच्छी सी कुर्ती लेना चाहते हो। और अगर ये वाली कुर्ती आपको पसंद आ रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप इसको जरूर ट्राई करें। रेड कलर की लेगीज के साथ में तो बहुत ही कमाल की लगेगी वाली कुर्ती, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। नेक्स्ट मैंने लिया है बहुत ही सुंदर सा कुर्ता जो कि कॉटन फैब्रिक में है। अगेन ये वाला कुर्ता फेस्टिवल्स के लिए, करवा चौथ के लिए एंड किसी भी ओकेजन के लिए बहुत ही सुंदर सा अफोर्डेबल प्राइस में कुर्ता आएगा। सो यहाँ पे ये जो है कुछ इस टाइप का कुर्ता रहेगा। इसमें आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा ये कॉटन का फैब्रिक है जिसमें प्रिंट बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नेक पे बहुत ही सुंदर था थ्रेडवर्क किया हुआ है, मिरर वर्क करा हुआ है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 3/4 स्लीव्स है जिसमें आपको गोटा का काम मिल जाएगा बहुत ही सुंदर सा। इस पूरी कुर्ती में फ्रंट साइड एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको जो है ये गोटा की लाइंस बनाई हुई मिल जाएगी। जो गोटा लगाया हुआ है ना ये आपको मिल जाएगा फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में। और यहाँ पे बैक साइड में जो है कुछ इस टाइप की ये डोरी की डिटेलिंग्स भी करी हुई है जो कि साइड्स में मिलेगी आपको, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल घुंघरी वगैरह के लटकन बनाए गए जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जो है लॉन्ग अनारकली कुर्ती आएगी, इसको आप करवा चौथ पे पहन सकते हो या फिर नवरात्रि पे गरबे खेलते वक्त पहन सकते हो। तो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कॉटन में है और A1 रहती है कुर्ती। सो अगर आप लेने का कुछ सोच रहे हो अच्छा सा रेड कलर में तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगी। नेक्स्ट मैंने लिया है एक ब्यूटीफुल सा गाउन जो कि आप दुर्गा पूजा, नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, किसी भी फेस्टिवल के लिए, इवन दिवाली के बाद में जो छठ पूजा आती है उसके लिए भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर सा सिल्क का गाउन आएगा, ऑरेंज कलर में है ये। और ये जो है आफ्टर दिवाली छठ पूजा के बाद में जो वेडिंग सीजन स्टार्ट होगी उसके लिए भी आपको काम आ जाएगा। आप किसी भी वेडिंग रिसेप्शन पार्टीज वगैरह में आराम से इसको पहन सकते हो। इसमें जो साइज मैंने लिया है वो मैंने लिया है आई थिंक मैंने एक्सेल साइज ही लिया होगा, यहाँ पे साइज नहीं लिखा, ओनली 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही सुंदर सा गाउन आएगा जिसमें आप देख सकते हो ये जो गोल्डन काम किया हुआ है बहुत ही प्यारा सा। नीचे में जो है इसका कुछ इस टाइप का बॉर्डर आपको मिलेगा जो कि काफ़ी सुंदर एंड अट्रैक्टिव लगता है। क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अंदर में जो है इसकी आई थिंक लाइनिंग वगैरह कुछ दिया गया है, यस अंदर में इसका जो है लाइनिंग दिया गया है, आपको मैं दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑरेंज कलर का अंदर में लाइनिंग दिया गया है, तो ट्रांसपेरेंट होगा या फिर अनकंफर्टेबल होगा ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अंदर में लाइनिंग दिया गया है। सो ओवरऑल मुझे जो गाउन है बहुत ही पसंद आया। एंड अगर आपको भी गाउन पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, देखो साड़ी वगैरह जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, लहंगा भी साड़ी भी, बट गाउन आपने पहन लिया एंड खत्म हो गई बात। आपको ना प्लेट्स संभालनी है ना प्लेट्स देखनी है कि सही बराबर लगी है या नहीं लगी है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो सबसे इजी होता है किसी भी फंक्शन ओकेजन के लिए गाउन्स। सो अगर आपको गाउन पसंद है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, बिल्कुल भी इसको मिस मत करिएगा, ज़रूर इसको बाय करिएगा। नेक्स्ट मैंने लिया है बहुत ही प्यारा सा ड्रेस कह सकते हो आप इसको, कुर्ता कह सकते हो, जैसे आप पहनो आप इसको वैसे पहन सकते हो। सो यहाँ पे ये जो है काफ्तान ड्रेस है,
आप इसको ड्रेस की तरह भी पहन सकते हो, एज अ कुर्ता भी पहन सकते हो। सो यहाँ पे ये बहुत ही कंफर्टेबल सा ये टाई एंड डाई प्रिंट में आपको ये कुर्ता मिलेगा। रेयॉन के फैब्रिक का है, वी शेप में इसका नेक है। अगर आप हॉलीडेज पे जा रहे हो तो आप इसको बिना लेगिंग्स के आराम से पहन सकते हो, कंफर्टेबली पहन सकते हो, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप मार्केट वगैरह के लिए जा रहे हो और अगर आपको छोटी ड्रेसेस पहनना या फिर ड्रेसेस पहनना ही पसंद नहीं है तो आप इसको एज अ कुर्ता पहन सकते हो। बहुत ही प्यारा ऑप्शन है ये, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसकी जो लेंथ है नी लेंथ का आता है ये, सो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, अगर आप एज अ ड्रेस पहनते हो तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, इसको आप आराम से पहन सकते हो। सो ये कुछ इस टाइप का आएगा, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में टाई एंड डाई ये वाला प्रिंट रहेगा। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट मैंने लिया है एक और ब्यूटीफुल सा गाउन जो कि वेडिंग सीजन्स के लिए या फिर किसी भी फंक्शन फेस्टिवल्स के लिए आप परचेज कर सकते हो। सो ये ब्लू कलर में है। सो यहाँ पे ये जो है कुछ इस टाइप का गाउन आएगा, ब्लू कलर में रहेगा और इसमें नेक में कुछ इस टाइप का ग्रीन कलर का बॉर्डर दिया गया है। वैसे बेसिकली ये वाला जो गाउन है ये मुझे पर्सनली इतना कुछ खास नहीं लगा, बिकॉज इसका जो ब्लू कलर है ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, खास करके साथ में ये जो बॉर्डर वगैरह दिया गया ये मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं इसका क्वालिटी आपके साथ में रिव्यू ज़रूर करूँगी, बट मुझे कम पसंद आ रहा है, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, हो सकता है किसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आए, बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग स्लीव्स आएगी यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सी, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड में आपको ये लॉन्ग स्लीव्स मिल जाती है। नेक पे ये वाला बॉर्डर रहेगा, ब्लू कलर की ये गाउन रहेगी और अंदर में आई थिंक इसमें लाइनिंग दिया गया है। ओके, सो इसमें जो लाइनिंग दिया गया है ये ओनली बस्ट एरिया तक दिया गया है, उसके नीचे का जो एरिया है इसमें कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है, तो ये हल्का ट्रांसपेरेंट हो सकता है क्योंकि सनलाइट जब पड़ेगी ना तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो इसके नीचे आपको कोई लेंगीज या फिर कुछ ट्राउज़र वगैरह आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो नीचे का एरिया आएगा वो ग्रीन कलर में आएगा, मस्टर्ड एंड ग्रीन कलर का कुछ इस तरीके का आएगा प्रिंट में, जो कि काफ़ी इस टाइप का है। बहुत ही ये वाला जो कलर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बट ब्लू कलर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ये, अदरवाइज़ हो सकता है किसी को अच्छा लगे बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद आ रहा। अदरवाइज़ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट जो पूरा जो लेंथ है उसमें लाइनिंग नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा डिफेक्ट मुझे लगता है क्योंकि गाउन में लाइनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आप ले ओ तो सोच समझ के लेना। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये मैंने लिया है एक और गाउन जो कि है मरून कलर का, और ये बहुत ही सुंदर सा गाउन है, फेस्टिवल फंक्शन के लिए आप इसको परचेज कर सकते हो। जॉर्जेट के फैब्रिक में रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टोन्स का एंड थ्रेड का काम मिलेगा आपको, एक्सरसाइज मैंने इसको लिया है। सो ये मरून कलर में है, आपको इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो भी कलर आपको पसंद आता है आप उस कलर में ले सकते हो। सो यहाँ पे आपको ये नेक पे बहुत ही सुंदर सा ये काम मिल जाएगा, और इसके अलावा जो पूरा गाउन है सिंपल सा गाउन रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करा हुआ है, जैसे कि कुछ हैवी करा हुआ हो ऐसा कुछ नहीं करा हुआ है, सिंपल सा सोबर सा गाउन है। आप इसको करवा चौथ के लिए, नवरात्रों के लिए और दुर्गा पूजा के लिए या फिर आने वाले किसी भी शादी वगैरह के फंक्शंस के लिए भी आप इसको परचेज कर सकते हो। अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा ये गाउन है, जॉर्जेट के फैब्रिक में इसकी जो स्लीव्स है कुछ इस टाइप की रहेगी, जो कि सिर्फ ऊपर तरफ इस तरीके से आ जाएगी, जो कि लुक देगी बहुत सुंदर सा। सो ओवरऑल ये वाला जो गाउन है ये काफ़ी सुंदर है, अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। सो दोस्तों ये था मेरा आज का मेशो का हॉल वीडियो, और मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके मैं आपके साथ में ऑनेस्ट रहूँ, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही है वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, हो सकता है आपको पसंद आए, बट मेरा काम है ऑनेस्टली आपको बताना कि कौन सी चीज़ कैसी लग रही है या कैसी है। सो दोस्तों अगर आपको पसंद आया आज का हॉल वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन दोस्तों बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।